2018 की बात है, मैं एक रील देख रहा था, उस वक्त टिकटॉक चलता था हमारे इंडिया के अंदर। तो टिकटॉक पे मैंने देखा कि एक जो बुजुर्ग लेडी है जो उठ नहीं पाती, वो सास थी एक बहू की, वो मंजे पे पड़ी है और उसकी जो बहू है उसको लाठियों से मार रही है। तो ये वीडियो किसी बच्चे ने शूट कर रखी थी और ये बड़ी वायरल हुई थी उन दिनों। और तो एक जो न्यूज़ एजेंसी थी हमारे पंजाब की, उसने बड़े कमाल के तरीके से इसको पेश किया, नीम में सस कुटनी, क्योंकि नीम में सस कुटनी एक पंजाबी बोली है, एक हम लोग बोली है हमारे पंजाब की। तो उसने इस वर्ड को और उस न्यूज़ को बड़े तरीके से प्रेजेंट किया, लेकिन वो न्यूज़ बड़ी दुखदायक थी, बड़ा दर्द था उसमें। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें हैं जो ये बड़ी सोसाइटी में बड़ी बहुत हो रही है, कितने डिवोर्स के केसेस होते हैं, कितनी सासें वृद्ध आश्रम में हैं, कितनी आजकल तो एक बेटा है वो भी माँ बाप अलग रहते हैं और बच्चे अलग रहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि फैमिली में एक लेडी की आ जाने से वो जो रिश्ता है वो बिखर जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और उसको क्यों ना मैं लोगों को दिखाऊं एक अलग अंदाज से। तो हमने सस कुटनी वन बड़े एंटरटेनिंग वे में बनाई, कॉमेडी वे में बनाई, लेकिन उसके अंदर मुद्दे थे ऐसे जिन्होंने बहुत लोगों के घर जोड़े। इनफैक्ट फिल्म ने मुझे फाइनेंशियली तो खुश किया ही किया, क्योंकि फिल्म ऐसी चली थी। और मुझे बाद में 2-3 लोगों के मैसेज आए कि यार मेरी ना मेरी वाइफ की और मेरी मदर की बनती नहीं थी, तो इनको मैं झूठ बोल के फिल्म दिखाने ले गया, फिल्म का नाम ही बताया मैं ले गया, और जब उन्होंने फिल्म देखी तो लास्ट में वो दोनों जफियां डाल के मतलब हाथ करके गई एक साथ। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की।